फोकस कर ले भाई, फोकस कर ले यार, फोकस फोकस बेटा फोकस। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये है एक फटाफट वाला टेक रिव्यू जो कि आपके लिए आ रहा है Xiaomi Mi Scale का, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। 2000 रुपए का ये Mi Scale बेसिकली एक वेइंग स्केल है, लेकिन वेइंग स्केल होने के साथ साथ ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको देता है, जैसे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स और बाकी सब चीज़ें। खैर फिलहाल ये फटाफट रिव्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा काम है और बहुत सारा शूट हमारे पास पड़ा हुआ है। एक और Xiaomi का फोन नहीं है, कुछ और आने वाला है जो कि नॉन टेक होगा। अगला वीडियो आपको कल मिलेगा, उस वीडियो को मिस मत करना, आपको वो वीडियो देखना ही चाहिए। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट जो है Xiaomi लॉन्च करने वाला है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि वो एक नॉन टेक प्रोडक्ट है, यानी कि वो एक गैजेट नहीं है। तो Mi Scale के बारे में बताएंगे आप, क्या क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या बुरा है, क्या सही है, और वो शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू को। चलिए बताते हैं इसके की फीचर्स और क्या क्या ये आपके लिए कर सकता है। 2000 रुपए का मिलेगा, फ्लैश सेल में नहीं है, यानी कि आप इसे आराम से जो है खरीद सकते हैं बिना किसी परेशानी के। mi.com से जाके आप इसे अभी जाके खरीद सकते हैं मेरा रिव्यू देखने के बाद, अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू को जो कि Xiaomi Mi Scale का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के व्हाइट बॉक्स में मिलेगा आपको Mi बॉडी कंपोजिशन स्केल, और इस बॉक्स के अंदर इसके अलावा आपको एक यूजर मैनुअल भी मिलेगा। अगर डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही सिंपल स्लीक डिज़ाइन के साथ ये डिवाइस आता है, और यहाँ पे आपको जो सर्कल्स दिख रहे हैं सिल्वर कलर के, वो बेसिकली सेंसर्स हैं जिसके थ्रू ये बॉडी कंपोजिशन और बाकी सब चीज़ों का पता जो है लगा सकता है वेट के अलावा। तो हाँ, यहाँ पे आप वेट तो मेजर कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत सी और चीज़ें भी मेजर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि थिकनेस वाइज ये वाला स्केल जो है वो Mi स्मार्ट स्केल जो पहले आता था जिसमें आपको ऊपर की तरफ ग्लास का सर्फेस मिलता था, उससे ये पतला है। और यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम पे सेंटर में आपको मिल जाएंगे सेक्शन जिसमें आप 4AAA के सेल जो है लगा सकते हैं। ये आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे क्योंकि सेल आपको पैकेज के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके सपोर्ट की, तो चारों तरफ जो सपोर्ट दिया गया है वो अच्छी खासी रबर पैडिंग के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलता है। और ये कहा गया है इसके यूजर मैनुअल में कि आप इसे एक हार्ड सरफेस पे ही रख के यूज़ करें, यानी कि टेबल वगैरह या बेड वगैरह पे इसे रख के आप यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। एक चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैट फिनिश है तो यहाँ पे पैरों के निशान की वजह से बहुत जल्दी ये गंदा जो है दिखने लग जाता है, और जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले डालनी है Mi Fit ऐप। तो Mi Fit ऐप डालने के लिए आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, Mi Fit सर्च कर सकते हैं, और वो ऐप एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको चाहिए Mi अकाउंट, जिसके थ्रू आप ऐप के अंदर साइन इन करेंगे। ऐप के अंदर साइन इन करने के बाद आप पेयर कर सकते हैं अपना Mi बॉडी कंपोजिशन स्केल अपने फ़ोन के साथ। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ना सिर्फ ये आपको वेट बताता है, और भी जो आपसी बॉडी के रिलेटेड डेटा है वो बताने के लिए ऐप की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐप के अंदर आप पेयर कर सकते हैं एड न्यू डिवाइस करके। जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि Mi स्केल के अंदर बैटरी लगी हुई हो, और उसके बाद कुछ उस पर वज़न होना चाहिए, आप पे खड़े भी हो सकते हैं, और उस केस में आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमने जुगाड़ लगा दिया है जिससे वो हो गया है काम, अदरवाइज प्रेफर्ड यही है कि आप इस पे खड़े हो जाएं जिस टाइम पे आप इसे पेयर कर रहे हैं और इसे हार्ड सरफेस पे रखें। पेयर होने के बाद आपको ये डिवाइस दिखने लग जाता है एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद आप एक एक करके प्रोफाइल बना सकते हैं तकरीबन 16 लोगों की, यानी कि 16 लोगों का डेटा जो है ये स्टोर कर सकता है एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आपको टैप करना है वेट पे और फिर चढ़ जाना है Mi Scale पे। डेफिनेटली आप बेयर फुट चढ़ेंगे तो वो बेहतर रहेगा, कभी भी मोज़े पहन के या फिर जूते पहन के आप इस पर ना चढ़ें। और ऐसे में ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो इसके सेंसर लगे हुए हैं जो कि सर्कल के फॉर्म में है सिल्वर कलर के, वो डेटा जो है आपकी बॉडी से कैप्चर तभी कर पाएंगे जब आप बेयर फुट यानी कि नंगे पैर इस Mi Scale पर चढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रोफाइल बनाते समय बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन की डालनी है, जैसे कि उनकी हाइट, साथ ही साथ उनका डेट ऑफ बर्थ, मंथ जो है उनका बर्थ का, वो सब। और उसके बाद इसमें प्रोफाइल बन जाती है, और वेट के साथ साथ बॉडी से रिलेटेड डेटा भी ये कैप्चर कर लेता है जिसको आप बाद में देख सकते हैं।
तो जब भी आप मी बॉडी कंपोजिशन स्केल को यूज़ करना चाहते हैं, अपना स्मार्टफोन आप अपने हाथ में ले सकते हैं या फिर किसी और को दे सकते हैं ताकि उसका वेट ना ऐड हो। और ऐसे में जब आप मी स्केल पे खड़े हो जाते हैं तो आपको वेट जो है वहाँ पे दिखने लगता है। एक बार जब वेट ब्लिंक करता है और वो पूरा जो डॉटेड लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है प्रोग्रेस बार की, तो वो सिंक हो जाता है डेटा, यानी कि आपका वेट रिकॉर्ड हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर। और साथ ही साथ आपसे बॉडी से रिलेटेड जो डेटा है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स और बाकी सब चीज़ें जो कि आपको बताती हैं कि कितना आपके शरीर में पानी है, कितना आपके शरीर में बॉडी फैट है, क्या वो ज़्यादा है कम है, कितना आपका वेट है, क्या वो ओवर बैलेंस्ड है या फिर वो बैलेंस्ड है या फिर वो ओवर वेट है, ये सारी चीज़ें आपको ऐप के अंदर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप जाके एक एक चीज़ को प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से कितना वेट आपका बैलेंस वेट है, कितना फैट आपका बैलेंस फैट है, उसमें कितना ज़्यादा आपका है अगर हम फैट की बात करें, या फिर कितना कम या ज़्यादा है आपके बॉडी के अंदर वाटर, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऐप में आपको मिल जाती है, जिससे काफ़ी कुछ पता चलता है इस मी बॉडी कंपोजिशन स्केल के थ्रू, जो कि ना सिर्फ आपका वेट मेजर करता है साथ ही साथ आपको बहुत सारा डेटा भी दे देता है जो कि यूज़फुल है। और ऐसे में आप डेली बेसिस पे 3 से 4 बार अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हुए वेट मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वर्कआउट किया तो उसके बाद अपना वेट मेजर कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट करता रहता है और साथ ही साथ ऐप के अंदर एक ग्राफ बनाता रहता है। सो मी फिट कंपेनियन एप्लीकेशन की तरह यहाँ पे काम करती है और सारा डेटा आपको दे देती है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा आता है आपके बारे में, वो ना सिर्फ आपका वेट है बल्कि उससे और बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन में मिलता है। तो यहाँ पे आप मसल मास, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, बोन मास, वेट और बाकी और बहुत कुछ पता कर सकते हैं अपने बारे में, जो कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है और आपको फिट रहने में मदद करता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, और उसके हिसाब से आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने वेट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मी बॉडी कंपोजिशन पे जो सिल्वर कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये हैं स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है आपकी बॉडी के बारे में कैप्चर होती है। साथ ही साथ मी फिट एप्लीकेशन के अंदर आपका सारा हेल्थ से रिलेटेड डेटा जो कि ये मी बॉडी कंपोजिशन स्केल कैप्चर कर रहा है, वो सारा स्टोर रहता है। आपकी अलग से प्रोफाइल बन जाती है और आप एक ही नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े और बच्चे दोनों का जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और ये लो एनर्जी ब्लूटूथ 4.0 पे काम करता है। साथ ही साथ मी फिट एप्लीकेशन के अंदर आपको सारा डेटा एक प्रोफाइल के फॉर्म में मिल जाता है, हर बंदे के नाम के हिसाब से जो आपने क्रिएट की है पहली बार जब आपने वेट उनका मेजर किया है। और यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले इंडिकेटर है जिसमें आपको वेट जो है दिखता है, वो इसके सरफेस के अंदर है, तो ऐसे में अगर कुछ पानी वगैरह गिर जाता है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मेरी तरफ से है थम्स अप मी बॉडी कंपोजिशन स्केल को, जो कि एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। हालांकि एक ही शिकायत है मेरे को यहाँ पे, और वो ये है कि पिछले वाला मी स्मार्ट स्केल ग्लास सरफेस के साथ आया था, तो ऐसे में कोई भी दाग वगैरह या फिर कुछ गंदा अगर वो हो जाता था तो वो साफ हो जाता था, जबकि ये मैट फिनिश के साथ आता है। और ऐसे में अगर कुछ पैर आपका गंदा है या फिर कुछ डस्ट है फ्लोर की वजह से जो इस पे लग गई है, उसको हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप गीले कपड़े से भी साफ करेंगे तो उसके बाद भी हो सकता है कि वो दाग वहाँ पे लगा रहे, और वो बेसिकली इसको थोड़ा भद्दा सा बना देता है, गंदा सा बना देता है। लेकिन अगेन अगर आप इसे यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। खैर फिलहाल जैसा है मैंने आपको बता दिया है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, ये था मी स्केल का रिव्यू जो कि फटाफट मैंने आपके लिए कर दिया है। ये रिव्यू कुछ इस तरह से इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारा काम मेरे पास पड़ा हुआ है और मेरे को ट्रैवल भी करना है। 2-3 दिन बाद मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंटरनेशनली। हालांकि मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ Xiaomi का एक और प्रोडक्ट आने वाला है जिसका वीडियो रिव्यू आपको कल मिलेगा हमारे चैनल पे, तो उसको देखना मत भूलना। और वो एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट है Xiaomi की तरफ से, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन वो एक गैजेट नहीं है, यानी कि वो एक नॉन टेक प्रोडक्ट है जो कि Xiaomi की तरफ से आने वाला है। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कल वो वीडियो रिव्यू आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या नजरिया है उसके बारे में, और साथ ही साथ क्या आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे, वो भी पता चल जाएगा। मैं तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी आपको मेरे रिव्यू के अंदर पता चल जाएगा कि उसके अंदर कमियां क्या हैं। तो चलिए फिलहाल तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, और अगेन हमारे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको Xiaomi के उस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और घंटा भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।